सतनाम धन वाहेगुरु साहिब जी साचा साहिब साच नाए भाख्या भाओ अपार आख हे मंग हे देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिए जित दिसै दरबार मोहौ के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआर नानक एवै जानिए सब आपे सचियार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिए सब आपे सचियार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह जी नूं सिद्ध पुछण लगे कि जिस परमात्मा की ताकत कथन नहीं की जा सकती, जो परमात्मा संसार की खेड वेख के प्रसन्न हो रहा है, इस अगमी खेड नूं वेख के विगास विच आ रहा है, उस परमात्मा की प्राप्ति किवें होवेगी? किस तरह ऐसे दयालु परमात्मा दे नाल जीव का प्रेम पवेगा, किस तरह उदे नाल सांझ पवेगी? तां सतगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह ने वचन किया, साचा साहिब साच नाए भाख्या भाओ अपार। सतगुरु कहन लगे सिद्धो, संसार ते केवल परमात्मा वाहेगुरु सच्चा साहिब है, ते जिथे परमात्मा खुद सच्चा है उहदा नाम भी सच्चा है, परमात्मा का नाम भी सच्चा है। जिमें आरंभता वेले वचन किया, सत नाम सदा कायम रहने वाला है। ऐसे परमात्मा का नाम जिन्ना ने भाख्या भाव जिन्ना ने नाम जपया जिन्ना ने अभ्यास किया उन्हां दे हिरदे अंदर परमात्मा दे लई बेअंत प्रेम उपजिया। उन्हां दे हिरदे अंदर परमात्मा प्रति प्रेम उपजदा जिहड़े परमात्मा का नाम जपदे ने भाख्या भाव के अभ्यास करते हैं, उन्होंने ही परमात्मा की सोझी होंदी है। आख हे मंग हे देह देह दात करे दातार। असी जीव रोज़ाना परमात्मा अगे अरदासा करते हाँ, बेनतियां करते हाँ, दाता मंगते हाँ, पुकारा करते हाँ कि वाहेगुरु सानू दाता दे, साड़ी झोली भर दे। रोज़ ही पुकार करते हाँ तो रोज़ ही दाता झोलियाँ भरदा है, पर साढ़े अंदर दाते नाल प्रेम नहीं उपजदा। जिदे अगे रोज़ अरदास करते हाँ दात लैण लई, उस दाते नाल प्रेम नहीं बनता, बल्कि दाते दी दित्ती दात नाल प्रेम बन जाता है, दाता विसर जाता है। तो प्रेम दात नाल बन जाता, तो प्रेम भी ऐसा जिहड़ा प्रेम सदा रहण वाला नहीं, क्योंकि जे परमात्मा नाल प्रेम पवे ये प्रेम सदा रहेगा, ये प्रीत सदा रहेगी, पर संसार की दात ते प्यारे आउंदी जांदी रहिंदी है। सिद्ध कहण लगे कि जे सारियां दातां दाते दियां दित्तियां ने, फिर असी दाते अगे की भेट रख सकते हैं जिहदे नाल साहिब दे दीदार हो? जे संसार की हर एक दात ही परमात्मा ने दिती है, फिर असी उस परमात्मा अगे की रखिए? जिदे नाल परमात्मा दे नाल प्रेम बन जावे, फेर के अगै रखिए जित दिसै दरबार। की दात रखिए उस दाते अगे
जिस नाल साहिब दे दीदार हो। असी की दे सकते हाँ, सारा कुछ तो दाते दा है। मैं खिण मात्र बेनती करा प्यारे, ये प्रश्न असी अपनी रूह नू भी पूछना है, ये प्रश्न गुरु नू भी पूछना है। पर अफसोस अध्यात्मक मंडल की यात्रा करन दे लई अज जीव बहुत घट तैयार हो रहे ने, पर सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की बाणी ने यह दसिया कि भाई दातां संसार दियां दाते ने दे देनी है। इस करके जे गुरु को लाया, गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच आया, गुरु के चरणों विच आया, फिर अगे उहदे अगे आके अरदास करके फिर के अगे रखी है जित दिसै दरबार, उहदे अगे अरदास करके मेरी परमात्मा नाल सांझ किवें पवे। रहो विचार सिद्ध कहण लगे की रखीए दाते अगे जिस नाल साहिब दे दीदार होण। असी की दे सकते हाँ, सारा कुछ तो दाते दा है। मुहौ के बोलण बोली है जित सुन धरे प्यार। असी केड़े बोल मुखों बोलीए जिन्हां बोलां नूं सुन करके साहिब सानू भी प्रेम की दात दे दे, सानू कलावे विच लै लवे। केड़े शुभ बचन असी अपने मुँहों बोलीए तां प्यारिओ सतगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह ने वचन किया अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। सतगुरु कहण लगे सिद्धो अमृत वेले प्रभात वेले उस परमात्मा नूं हाजर जाण के उहदी सिफत सलाह करिए, उहदी वड्याई करिए, उहदे गुण गाइए, तां साहिब दे दीदारे होणगे, तां ही साहिब नाल प्रेम बनेगा। खालसा जी, गुरु के सिख दे जीवन दे विच ये नियम होना चाहिए अमृत वेले की संभाल ते नितनेम का अभ्यास। बेनती करा कि नितनेम सिख की मर्जी नहीं बल्कि ये गुरु का हुक्म है। करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआर। सतगुरु गुरु नानक साहब कहन लगे अमृत वेले सिफत सलाह कित्या, अमृत वेले उहदी वडियाई कित्या, परमात्मा की मेहर दे नाल रहमत दे नाल सिफत सलाह का कपड़ा प्रेम का पटोला मिलता है। वाहिगुरु की मेहर भरी निगाह दे नाल कूड़ की कंध तो मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि पहला प्रश्न किया कि कूड़ा टुटै पाल, कहिंदे अमृत वेले उठ के उहदा अभ्यास कर, अमृत वेले उठ के उहदी वडियाई कर, उहदी सिफत कर, ते जदों उहदी मेहर दे नाल तैनू सिफत सलाह का कपड़ा प्रेम का पटोला मिल जाए, सच है तैनू कूड़ दी कंध तो मुक्ति मिल जाएगी, बंद खलासी मिल जाएगी। अगे सतगुरु गुरु नानक साहब बचन करते ने, नानक ए वै जानी है सब आपे सचियार। सिद्धो ये मार्ग अपनाउण दे नाल परमात्मा की सोझी हुंदी है, कण कण दे विच सच्चा अकाल पुरख वाहिगुरु नजरी आउंदा है। सर्वकाल सर्व ठौर एक से लगत हो वाली अवस्था प्राप्त हुंदी है खालसा जी। सो सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का बख्शिया जो अनमोल खजाना है अमृत वेले का, इस अनमोल खजाने नूं सांभीए, बाणी का अभ्यास करिए, सिमरन करिए और गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह के चरणा च अरदास करिए। पातशाह आप जी अपनी बाणी के दसे हुए राह के उत्ते चलण दी इस संसार दे अलपग जीव नूं समर्था बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।